हर जगह चल रहा है क्लीनिंग का मौसम इन दिनों, तो किचन की ऐसी जोरदार जबरदस्त टिप्स और ट्रिक्स लेके पहुंच गया हूं मैं आपकी स्क्रीन्स पर, जहां आप किचन की क्लीनिंग से बहुत ही बेहतरीन टिप्स जानेंगे और आपकी ये बेहद ही ज्यादा मदद करेंगी किचन को और घर को हमेशा साफ सुथरा रखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली ट्रिक साथ। दोस्तों, जो बाथरूम की बाल्टियां होती हैं उन पे पानी का खारापन इतना ज़्यादा जम जाता है, उनकी गंदगी, उनकी मिट्टी इतनी ज़्यादा जम जाती है कि वो बाल्टियों के रंग को ही ख़राब करने लगती है। जब भी हम इन बाल्टियों को देखते हैं, नहाने के लिए इन बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनको देख के ऐसे लगता है कि ये बाल्टियाँ कितनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो चलिए आज इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स आपको देता हूँ। इन बाल्टियों को साफ़ करने के लिए आप अपने घर का कोई भी ज़बरदस्त सा टॉयलेट क्लीनर ले लीजिए। इस टॉयलेट क्लीनर की मदद से कोई भी वाइट रेशा, कोई भी गंदगी, कोई भी मिट्टी जो जमी हुई होगी इन बाल्टियों पे, कोई भी सफेद निशान, पानी का खारापन का निशान जो भी जमा होगा, वो सारा अच्छे से कट जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हमने बाथरूम का क्लीनर यूज करा और उसके बाद दोस्तों आप एक चीज़ का खासा ख्याल रखें, जब भी आप इसको यूज़ करें हाथ में ग्लव्स या फिर कोई पॉलीथीन जरूर बांध लें, ताकि ये आपके हाथ पे कोई गलत रिएक्शन ना करे। तो चलिए दोस्तों, हमको अच्छे से रब करना होगा। हम इसे टूथब्रश की मदद से रब कर रहे हैं। इसी वीडियो में हम आपको इसको दो तीन तरीकों से रब करके बताएंगे। दोस्तों, टूथब्रश के साथ साथ आप इसको किसी स्क्रबर से भी रब कर सकते हैं, आप इसको जूने से भी रब कर सकते हैं, आप इसको किसी ऐसे प्लास्टिक के मोट ब्रश से भी रब कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा एरिया कवर करे और बाल्टी जल्दी जल्दी साफ़ हो। तो चलिए, टूथब्रश से तो हमने करके दिखा दिया है, अब हम आपको एक मोटा ब्रश भी लेके दिखाते हैं। दोस्तों, इससे इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा गंदी कट जाएगी कि आपकी बाल्टी एकदम नई जैसी हो जाएगी, जैसे आप बिल्कुल नए शोरूम से किसी से लेके आए हों। तो देखिए, हमने थोड़ा ब्रश ले लिया और देखिए इसकी मदद से कितनी जल्दी जल्दी सफाई हो रही है। ग्लव्स ज़रूर पहने दोस्तों, ये आपकी हाथ की सेफ्टी के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमने रब कर लिया है। आप देखेंगे इतना अच्छा इसका रिएक्शन होगा बाथरूम क्लीनर का इस प्लास्टिक की बाल्टी पे, कि आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये बाल्टी तो आपने कभी अपने घर पे पहले देखी नहीं थी, फिर बच्चे सोचेंगे ये कोई नई ही बाल्टी मार्केट से आई है। अच्छे से इसको रब कर लीजिए अंदर। दोस्तों, इसमें एक खास बात बताता हूँ, ये सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी उतनी कारगर साबित होती है जितनी ये अंदर अच्छे से सफाई कर रही है। लेकिन आप ध्यान रखें, इसकी सफाई अच्छे से रगड़ के करें ताकि कोई भी निशान रह ना जाए, नहीं तो वहीं से ही दोबारा जमना शुरू हो जाएगा अगला निशान और फिर आपको कुछ ही दिनों बाद लगेगा कि ये तो फिर से गंदी हो गई। तो चलिए अब बाहर से भी थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर डाल लेते हैं। दोस्तों, एंड रिजल्ट्स आप देखेंगे ना तो इतने ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, आपको बेहद ही ज़्यादा हैप्पी कर देगा। ये देखिए, बाहर से भी हमने इसको अच्छे से ऐसे ही रब कर लिया है, ब्रश की मदद से इसको अच्छे से पूरे एरिया पर स्प्रेड कर लिया है और इसका जो फाइनल रिएक्शंस और फाइनल रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत है। समय आ चुका है इसको जल्दी से वॉश करने का, पूरे कर लेते हैं अब कहीं से अगर रह गया है तो, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए जब हम आपको एंड रिजल्ट दिखाएं तो आपको भी लगे कि हाँ भाई, सच में ही ये बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हो गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने कैसे इसकी अच्छे से गंदगी हटा दी है। तो चलिए अब इसको फटाफट से आपको वॉश करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये वॉश होगी, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसका गंद छूट रहा है। दोस्तों, जब तक ये बाल्टी एकदम नए के जैसी हो जाती है, तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे लोगों तक ये ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स पहुँच सकें। और आगे की ट्रिप्स जो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ वो तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सबसे पहले आपको बाल्टी एकदम नई जैसी करके दिखा दें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हर जगह से हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। अब आपको फटाफट से इसकी लुक दे देते हैं फाइनल। ये देखिए, पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई है भाई, वाह। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा हमने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, लग रही है ना बिल्कुल नई जैसी, एकदम आपकी आंखों के सामने ही। तो बढ़ते हैं अपने बढ़िया स्किन केयर की ट्रिक के ऊपर। गर्मियों के इस मौसम में आप भी अपने चेहरे को गुलाब की तरह निखार सकते हैं। एक बार बस ये पैक लगा लोगे तो आपका चेहरा भी पूरी तरह से निखर जाएगा। दोस्तों, गोरा रंग पाने की तमन्ना बहुत सारे लोगों की होती है। कुछ लोग तो दोस्त महंगे महंगे फेयरनेस क्रीम भी आजमाते हैं, लेकिन इन सब का कुछ खास असर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर आई हूँ। घर की रसोई में लाल लाल टमाटर देखकर मानो सबका मन ललचा जाता है। बस ये वही टमाटर है जो आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देता है, तो वही दोस्तों आपके चेहरे का निखार भी दोगुना कर देगा।
दोस्तों आपको लेनी है एक कटोरी और टमाटर को हाफ कट कर लेना है और उसके बाद इसका जितना भी रस है वो आपको एक कटोरी में निकाल लेना है। दोस्तों टमाटर को अगर खाने के बाद किसी चीज़ में हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो वहीं चेहरे की खूबसूरती को भी निखार देता है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते रस तो आप कद्दूकस ले लीजिए और कद्दूकस की मदद से इसको अच्छे से घिस लीजिए ताकि इसका सारा का सारा रस जो है वो अच्छे से निकल कर आ जाए। दोस्तों टमाटर से जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो झाइयाँ हो, कालापन हो, सारी की सारी दूर होती है, क्योंकि टमाटर है ही इतना रसीला कि उससे सारी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाती है। दोस्तों आप टमाटर को सलाद के रूप में तो खाती होंगी, लेकिन इसे ब्यूटी टिप्स में अपने घर में ज़रूर शामिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी तो दोस्तों हमारे पुराने टाइम से हमारे बुजुर्ग सब लोग यूज़ करते ही आए हैं। हमारे शरीर के लिए भी हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे स्किन के लिए भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। टमाटर और हल्दी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों मुझे थोड़े से दही की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैंने फ्रेश दही ही लिया है, इसीलिए आप भी फ्रेश दही लीजिए। और मैंने एक चम्मच के लगभग दही लिया है और अब टमाटर, हल्दी और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही में प्रोबायोटिक तत्व होते हैं दोस्तों, जो त्वचा को साफ कर देते हैं, उसे अंदर से गोरा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप रोज़ ये पैक नहीं लगा सकते तो कम से कम इससे दही की मसाज ही कर लीजिए। दही की मसाज से हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा निखर के आ जाएगा। लेकिन अगर आप टमाटर, हल्दी और दही का रोज़ इस्तेमाल करोगे, वो भी सिर्फ दिन में एक बार, तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा निखर कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक पेस्ट के रूप में अब आ चुका है। इसे बिल्कुल ही एक पेस्ट के रूप में बना लेना है और बहुत ही अच्छा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। दोस्तों अगर आप इसे एक बार लगा लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अभी लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि इसे लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों इसे कम से कम 10 मिनट तक अपने हाथों पर लगाएं। अगर आप चाहें तो टमाटर के छिलके से भी इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। कम से कम इसकी 5 से 4 मिनट तक मसाज करें, उसके बाद हाथ धो लीजिए और इसी तरीके से आप अपने गाल पे, अपने हाथ, गर्दन, जहां आपको लगे कि टैनिंग हो रही है, झाइयां पड़ रही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए।